मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है खाता बही और तलपट का। जैसा कि इसमें दिया गया है, सरदार अरविंद भाई के निम्नलिखित तलपट के दोनों पक्षों का योग यद्यपि बराबर है लेकिन फिर भी यह अशुद्ध है, सही तलपट बनाइए। खातों के नाम दिए गए हैं, डेबिट शेष दिया गया हो क्रेडिट शेष। जैसा पहला की है पूंजी 89,500 रुपये, आहरण दिया गया 10,500, उसके बाद है प्रारंभिक रहतिया 37,250, क्रय है आपका 2,31,000 का, उसके बाद विक्रय है 3,94,250, मजदूरी और वेतन दिया गया है 62,050, उसके बाद आपका है प्रकाश और ताप का दिया गया है 3,100, उसके बाद उपकरण की है 36,000, फिर आपका दिया गया वायर ढुलाई की है 2,300 रुपये, फिर उसके बाद है विक्रय वापसी 1,050 रुपये, उसके बाद है आपकी क्रय वापसी 2,900 रुपये, अप्राप्य ऋण के लिए प्रावधान है 3,500 रुपये, उसके बाद छूट दी है 2,850 रुपये, छूट प्राप्त की है 3,150 रुपये। नेक्स्ट इधर कुछ उसका दिया गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं किराया व कर, किराया और कर का दिया गया है 11,150 रुपये, मोटर गाड़ी का दिया गया 14,750, रोकड़ है आपका 1,100 रुपये, विविध लेनदार हैं 49,250, विविध देनदार हैं 1,39,200, बैंक अधिविकर्ष दिया गया 9,750, तो दोनों का टोटल दिया गया है। इसको हम लोग अपनाएंगे ट्रायल बैलेंस में, इसको शुद्ध करके लिखेंगे इस प्रकार, जैसा कि ट्रायल बैलेंस, उसके बाद लिख देंगे पार्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। पहले है कैपिटल, जैसा कि सभी जानते हैं कैपिटल क्रेडिट होगी, तो ये 89,500 कैपिटल, सेल्स हो जाएगा आपका 3,94,250, उसके बाद आना परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न आपका हो जाएगा 2,900 रुपये, फिर उसका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3,500 रुपये, उसके बाद आइए डिस्काउंट रिसीव्ड 3,150 रुपये, सन्ड्री क्रेडिटर्स 49,250 रुपये, उसके बाद बैंक ओवर ड्राफ्ट है 9,750 रुपये। नेक्स्ट ड्राइंग है 10,500, परचेज है 2,31,000 का, वेजेस और सैलरी है 62,050 रुपये, हीट एंड लाइट एंड हीट है 3,100 रुपये, उसके बाद अपार्टमेंट है ग्रांड स्कूल 3,36,000 रुपये, फिर कहें 2,300 रुपये, सेल्स रिटर्न है आपका 1,050, डिस्काउंट अलाउड है 2,850, रेंट एंड टैक्स 11,150, मोटर व्हीकल्स 14,750, कैश है आपका 1,100 रुपये, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स 1,39,200, दोनों का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 5,52,300। इसके लिए क्वेश्चन लग जाएगा।